पढ़ने के लिए प्रिपेयर करने की कोशिश कर रही हूँ बिकॉज आई हैव रियली फेल्ट कि मटीरियल की कमी नहीं है यू ऑल हैव एवरी थिंग टू स्टडी बट द कंडीशन इज यू आर एक्चुअली नॉट प्रिपेयर टू स्टडी आप पढ़ने के लिए तैयार नहीं है तो थ्रू माई दीज वीडियोज आफ्टर टू थ्री डेज आई एम ट्राइंग टू अपलिफ्ट यू ऑल कि आप पढ़ने के लिए प्रिपेयर हो जाए क्योंकि अब बच्चा अगर पढ़ने के लिए रेडी है tho would definitely karega right so uh, through these series of videos now i will just inspire you motivate you to study and to work hard right uh, and these uh, kinds of videos are uh, really uh, widely liked so i'm really putting efforts in this case only so firstly though let me talk to uh, you all kipadha your studies why is it important for us क्यों इम्पॉर्टेंट है ये हम सब के लिए हमें रियली वी नीड टू थिंक एक्चुअली ये पढ़ाई ही है स्टडीज ही है एजुकेशन ही है जो हमें असेट बनाती है अदरवाइज तो वी आर रेडी टू बी लाइबल हम बर्डन और लाइबिलिटी बनने के लिए रेडी हैं एजुकेशन हमें ह्यूमन रिसोर्स बनाती है ठीक है हमें स्किल बनाती है और अगर एजुकेशन नहीं है तो मार्क माई वर्ड्स हमारी इस लाइफ का जो मोटिव है वही कही कहीं ना कहीं धुंधला हो जाता है राइट right? तो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं वी आर रियली वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर काइंड ऑफ बीइंग्स तो एजुकेशन uh, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फाइन तो स्टडीज और पढ़ाई इसीलिए ज़रूरी है ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें बाकी क्रिएचर्स से एंड हम रिसोर्स बन सकें स्किल बन सकें हम इकोनॉमिकली सोशली पोलिटिकली एक वैल्यूएबल रिसोर्स बन सके राइट सेकेंडली अब हमें स्टॉप कौन करता है हमें कौन रोकता है पढ़ने के लिए मम्मी पापा टीचर्स नॉट एट ऑल स्कूल तो कौन रोकता है हमें हम सभी पढ़ना चाहते हैं दैट्स वाई यू ऑल आर वॉचिंग दिस वीडियो पढ़ना तो हम चाहते हैं पढ़ाई इंपॉर्टेंट है फिर रोकता कौन है यू यू योर सेल्फ स्टॉप योर सेल्फ आप खुद ही खुद को रोकते हैं पढ़ने के लिए ठीक है बट मार्क माई वर्ड्स आप पढ़ना चाहते हैं तभी आप देख रहे हैं तभी आप ये वीडियो पूरी देखेंगे शेयर भी करेंगे लाइक भी करेंगे और इससे ओब्वियसली कुछ सीखेंगे द मोटिव इज नॉट टू जस्ट लाइक और शेयर और तो इसको वीडियो को वॉच करना मोटिव इज आपके अंदर इच्छा है दैट्स वाई यू वॉन्ट टू डू इट तभी आप सुन रहे हैं राइट तो एक्चुअली वी आर रिस्पॉन्सिबल हम ही खुद को पढ़ने के लिए रोकते हैं अब इसका रीजन क्या है रीजन है इवल बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होती है ठीक है एंटरटेनमेंट इंस्टाग्राम फेसबुक हमें टाइम का पता ही नहीं चलता है ना क्यों क्योंकि ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है हार्ड हार्डवर्क क्या है बहुत बोरिंग है है ना बट ये बोरिंग चीज ही एक्चुअली सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है दिस इज द रीजन आपको स्कूलों में आपके पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं टीचर्स आपको यू नो पुलअप कर रहे हैं पेपर ले रहे हैं आपको प्री बोर्ड्स फाइनल एग्जाम्स यूनिट टेस्ट क्लास टेस्ट आर बींग कंडक्टेड राइट तो हार्डवर्क बोरिंग है बट आप जितना हार्डवर्क पोस्टपोन करेंगे आपकी सक्सेस उतनी ही पोस्टपोन होती जाएगी और शायद उससे भी ज़्यादा क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा राइट आपकी मम्मा खाना बनाती हैं जितनी मेहनत उसमें डाली जाती है उतना ही खाना टेस्टी और हेल्दी होता है संडे को आप बोलते हैं अपनी मम्मा से कुछ स्पेशल बनाइए स्पेशल मीन्स पुट मोर एफर्ट्स मेक मोर थिंग्स ठीक है तो वो खाना क्या बनता है बहुत टेस्टी बनता है वैरायटी होती है तो लाइक वाइज आप जब मेहनत डालेंगे उसका जो रिजल्ट होगा वो भी बहुत टेस्टी होगा राइट right? तो मेहनत करने से घबराएं नहीं मेहनत करेंगे यू नो एजुकेशन पढ़ाई स्टडीज ये अपने आप में एक रास्ता है जो आपको वहां तक ले जाएगा जो आप सपने में सोचते हैं जो आप अपने लिए देखते हैं हम सभी अपने लिए अच्छा सोचते हैं वर्ल्ड के लिए अच्छा सोचते हैं राइट सो नाउ आई वांट टू मेक वन अनाउंसमेंट दैट आई एम गोइंग टू बी लाइफ फॉर यू ऑल टू सोल्व योर प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्टडीज कि आपकी uh, क्योंकि हर बच्चे के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम आर देयर प्रॉब्लम मीन्स चैलेंज प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली चैलेंज जब भी हम कुछ करते हैं एक चैलेंज आता है हमारी लाइफ में जो हमें और भी ज्यादा इम्प्रूव करता है बिकॉज दिस इज एन अपॉर्चुनिटी ये प्रॉब्लम नहीं है ये अपॉर्चुनिटी है हर बच्चा बच्चे का एक अपना ही स्टेट ऑफ माइंड है एंड आई थिंक माय एक्सपीरियंस विल हेल्प यू तो आप अपने चैलेंजेस मुझसे शेयर कर सकते हैं On Saturday, 8 PM, uh 12th of March, I will be live for you. And please convey to your friends and all aap apne challenges मुझसे share kijiyega I'll definitely try to solve it, kyunki mujhe lagta hai I can help you, तो uh, to be live uh, will be more important, uh, more effective, क्योंकि आप directly मुझसे अपनी problem को या challenge को share कर पाएंगे, right? And uh, आई होप यू वुड बी लाइकिंग माई एफर्ट तो प्लीज मुझे बूस्ट अप करते रहिए और इन एवरी वीडियो नाउ आई हैव प्लैंड आई विल कीप ऑन गिविंग यू एक गुरु मंत्र एक टेक्निक एक टूल ठीक है विच विल हेल्प यू अलॉट तो आप अच्छे से और पढ़ पाएंगे नाउ एम गोइंग टू टॉक अबाउट एक हम लिमिटेशन या ड्रॉबैक अपनी स्टडीज में यूज करते हैं जो बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं मैम हमने इतनी बार चैप्टर पढ़ लिया बट स्टिल वी आर नॉट कॉन्फिडेंट ठीक है हम क्या करते हैं पैसिव री रीडिंग करते हैं पैसिव री रीडिंग मतलब हम एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है लाइक आई एम नाउ मेक इंग दिस वीडियो अगर मैं पैसिव हूं तो इट विल नॉट बी इफेक्टिव इवन डेमोक्रेसी नहीं चल सकती अगर पैसिव सिटीजन हैं ठीक है तो यहां पर आई एम गोइंग टू रिप्लेस दिस टूल विच इज़ बींग यूज बाई यू ऑल जी पैसिव री रीडिंग को रिप्लेस कर दीजिए एक्टिव रिकॉल टेक्निक से एक्टिव वट इज़ एक्टिव रिकॉल टेक्निक अब ये टेक्निक क्या है आपने एक चैप्टर को किया लाइक नेशनलिज्म इन इंडिया ठीक है आप अपने माइंड में इसको एक माइंड मैपिंग करेंगे कि सबसे पहले महात्मा गांधी आए ये सत्याग्रह हुआ फिर रॉलेट एक्ट हुआ फिर जिलियां वाला बाग ट्रेजिडी हुई जहाँ भी आपका मिस आउट है दैट कैन ईजिली बी यू नो फाउंड बाय यूजिंग दिस टेक्निक आप बिना बुक के यहाँ बैठ के अपने उस चीज को रिकॉल कीजिए और वो रिकॉलिंग एक्टिव रिकॉलिंग कैसे हुई है क्योंकि हमारी बुक बंद है वी आर जस्ट यूजिंग आर माइंड हमारा माइंड बहुत एक्टिव है तो इस टाइम हम अपने मिस आउट्स निकाल सकते हैं जहाँ पर एक्चुअली हमें वर्क करना है ठीक है तो जो मिस आउट्स हैं अब हम बाद में बुक खोलेंगे ओपन करेंगे और वी विल सी कि कहाँ कहाँ हमने मिस आउट किया है जो हम भूल गए ठीक है तो उन चीज़ों को आप रिकॉल करेंगे री करेंगे तो आप अगर ये टेक्निक यूज करेंगे वाइल्ड आप वॉक कर रहे हैं रिकॉल कर सकते हैं अपना चैप्टर तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तो वी आर गोइंग टू रिप्लेस पैसिव री रीडिंग टूल विद योर एक्टिव रिकॉलिंग टेक्निक अब ये इफेक्टिव क्यों है देखो बच्चे आप एक्सरसाइज करते हैं हम यू नो आ, डंबल्स एंड ऑल भी यूज करते हैं ना अपने मसल्स को स्ट्रांग करने के लिए तो ये वही वेट लिफ्टिंग है जो हमारे माइंड को स्ट्रांग स्ट्रेंदन एंड कॉन्फिडेंट करेगी ठीक है इसीलिए हम वेट उठाते हैं जब ये वेट आप उठाएंगे ना एक्टिव रिकॉलिंग टूल में तो आपका हार्डवर्क आपके मार्क्स में कन्वर्ट होने लग जाएगा राइट एंड लेट मी टेल यू हमारे जो टीचर्स थे ना हमें हमेशा बोलते थे प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स मॉक टेस्ट क्वेश्चन एयर इनको प्रैक्टिस कीजिए ये एक्चुअली प्रैक्टिस जो क्वेश्चन आंसर्स की कर, हमें बोली जाती थी ना सजेस्ट की जाती थी ये ये ही एक्टिव रिकॉल है क्योंकि जब आप क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे यू विल गेट टू नो कि कौन सी चीज मिस आउट हो रही है कौन सी चीज आपको आती है बट पैसिव री रीडिंग में आप यू uh, नो you know, जो आपको आता है जो नहीं आता आप सब कुछ करते जाते हैं बार बार बट आपको ये नहीं पता चलता कि आप कहाँ एक्चुअली मिस कर रहे हैं क्या चीज आप भूल रहे हैं और बोरिंग होने की वजह से यू स्टार्ट फीलिंग लेजीनेस और आप सोच आते हैं बुक्स उठाते I hope this technique will help you a lot. And don't forget, I'm going to be live for you all on Saturday, 8 p.m. Good luck.